देखो क्वेश्चन लेते, एक अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा। मतलब हमें निकालना है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, ये हमें क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। दे रखा है कि यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग हो तथा इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग हो, ठीक है ना। मतलब चंद्रमा की जो त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, इसको आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। आर एम इक्वल टू ये है 1/4 है किसके, पृथ्वी के त्रिज्या की। आर का मतलब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक ना। चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम एम से, या एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एम और लग रहा है तो एम डैश से रिप्रेजेंट करो, ठीक ना। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा, एम डैश इक्वल टू कह रहे कि पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 1/80 वा भाग है, ठीक है ना। तो 1/80 इंटू एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो हमसे पूछ रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पे या चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है ना। देखो पृथ्वी तल पर सबसे पहले निकाल लेते हैं, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, और ये बराबर है 9.8 के, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चंद्रमा के तल पर, चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी डैश से, ठीक है ना। जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम डैश बाय आर एम का स्क्वायर, ठीक है ना। एम डैश चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया, आर एम चंद्रमा की त्रिज्या है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम डैश की जगह इसका वैल्यू पुटिंग कर देते हैं और आर एम की जगह इसका वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। तो यार जी एम डैश इक्वल टू 1/80 एम ई, ठीक। अच्छा आर एम, आर एम है 1/4 आर ई का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/80 जी एम ई बटे, इसका इसको करेंगे तो 1/16 आर ई का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि 4 का इसको करेंगे कितना जाएगा 16। देखो 1/80 और 1/16 है, 16 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा, तो 16/80 जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर बचेगा। अच्छा 16 से इसको काट दो कितना है, 16 पंजे 80 जी एम ई बाई आर स्क्वायर। देखो जी एम ई बाई आर स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं, हम जी के बराबर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह जो हमारे पास वैल्यू आया जी एम ई बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुटिंग करते हैं जी, यहां पे लिख देना, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, यहां पे लिख देना समीकरण 1 से, ठीक ना। तो यह जाएगा 1/5 जी, ठीक। चाहो तो जी का वैल्यू रख सकते हो, जी का वैल्यू है 9.8 बाय 5, 5 से इसको डिवाइड कर देना, 5 बन जा 5, 5 एकम 5 बचा कितना 4 48, 5 9 45 बचा कितना 3 3 5 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो कितना होगा, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लगभग लगभग में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हाँ दे रखा होगा, नहीं तो याद रखना उसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र है, किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल क्षेत्र, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं,
जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करा था हमने आई से, पीछे देख लो फॉर्मूला उसका क्या है। तथा गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए, गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला देख लेना, कह रहे कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है, चंद्रमा का द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 7.34 गुणा 10^22 kg, इतना दे रखा है। और चंद्रमा की जो त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या r बराबर इसमें दे रखा है 1.74 इंटू 10^6 मीटर है, ठीक ना। स्मॉल जी सॉरी कैपिटल जी का वैल्यू दे रखा है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र कितना होगा, तो चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र या तीव्रता, जिसको हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, ठीक ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था, ठीक ना। आई बराबर फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या आया था, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर पॉजिटिव में होता है, ठीक है। जी का वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10^-11 इंटू एम दे रखा है 7.34 इंटू 10^22 बाय आर स्क्वायर 1.74 इंटू 10^6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें बस, अब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक ना। 6.67 की 7.34 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.67 की 7.34 से मल्टीप्लाई, 7.4 जा 28, 2 7.6 जा सॉरी 6.4 जा 24, 24 प्लस 21 55 प्लस 2 57 47 कैरी हो गया 4 24 और 18 कितना हो गया, 24 और 18 42 और 50 हाँ 92 91 और 4 कितना हो गया 95 का 5 से लगा 9 ठीक ना, 9 दिन 18 तुम कैलकुलेशन करने दो गे तो फिर कितना आ रहा है 48.9578 बस इसको 96 रख ले, ठीक है। इंटू 10^ माइनस का 11 प्लस का 22 देखो इसका स्क्वायर करके 7.1.74 का कितना आएगा 1.74 का 3.0273 कर ले इंटू 10^ कितना जाएगा 12 इस इसको डिवाइड करके बता कितना आ रहा है इंटू 10^ देखो कितना बचेगा 11 और 12 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 10^-1 ठीक है बता कितना आ रहा है 16.15 है ना 6 कर ले इसको तो 16.16 10^-1 है इस इसको क्या करो डिवाइड कर दो 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1.616 ठीक यूनिट क्या हो जाएगा इसका ठीक ना जूल सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर सर न्यूटन पर मीटर नहीं केजी क्योंकि इसको आई को हमने डिफाइन किया था आई इक्वल टू पर यूनिट मास पे कितना फोर्स लगता है ना उससे डिफाइन किया तो न्यूटन बटे केजी। सेकंड चीज हमें निकालना है इसमें विभव निकालना है बात क्या निकालना है
विभव। देखो सिंपल तरीका बता दो विभव निकालने का, विभव v बराबर प्रत्येक पिट जाएगा भी बता रहा हूं माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर, यह ना ठीक ना। सिंपल तरीका मैं बता दो तुम्हें क्या करना है, इसका इस आर से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर ना, अभी हमने निकाला जी एम बाय आर स्क्वायर हमने निकाला अभी, यह है ना पूरा जी एम बाय आर स्क्वायर कितना आया 1.6, तो माइनस का 1.616 इंटू आर कितना हमारे पास 1.74 इंटू 10^6, इसको लिख दे 1.6 लिख दे अप्रोक्स में 1.6 इंटू 1.74 इंटू 10^6 16 से मल्टीप्लाई कर दे 16 जा 16 चौक 64 का 40 लगा 6 16 7 112 और 6 कितना जाएगा 118 8 हासिल लगा 11 16 कम 16 और 1 सॉरी 16 और 11 27 ठीक कितना सौ दशमलव 1 2 3 माइनस तो सिहत 6 ये हो जाएगा जूल पर केजी, क्योंकि हमने विभव को डिफाइन किया था अगर याद है तुम्हें विभव डब्ल्यू अपॉन क्या होता है एम, विभव को हमने डिफाइन किया था डब्ल्यू बाय एम, डब्ल्यू का हो जाएगा जूल एम का हो जाएगा क्या केजी, तो मात्रा को जाएगा जूल पर केजी ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है देखो इसमें कह रहे कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, पृथ्वी तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, स्मॉल जी दे रखा है 10। देखो पृथ्वी की त्रिज्या बात नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर, कह जाएगा 6400 किलोमीटर, पृथ्वी तल से ऊंचाई दे रखा है, पृथ्वी तल से ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है 800 किलोमीटर, तो उस पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से कुल दूरी कितना जाएगा r प्लस h, मतलब यह है हमारा अर्थ है, अर्थ का रेडियस है यहां से यहां तक कितना है 6400 और इससे भी 800 मीटर 800 किलोमीटर ऊपर है, तो यहां से टोटल इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, तो h और r को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यह जाएगा 6400 प्लस 800, रुक जा एक मिनट रुक जा, 64 प्लस 800 कितना जाएगा 72, तो 7200 किलोमीटर, ये तो देख अच्छा किलोमीटर में है, इसको चेंज कर लेते किसमें मीटर में, तो जब 7200 गुणा 10^3 मीटर, तो इसको लिखेंगे 7.2 इंटू 10^6 मीटर, 7.2 लिखा है ना, यहां से डेसिमल को उठा के कहां ले गए यहां पे ले गए, तीन स्थान बाद ले गए ना पहले, तो तीन जुड़ जाएगा इसमें, फिर 72 लिखोगे, फिर 72 इंटू 10^5, ये हो गया हमारा कुल दूरी हो गया r प्लस h। अच्छा हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहे हैं पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव निकालना है, फर्स्ट निकालना है गुरुत्वीय विभव, ठीक है देखो गुरुत्वीय विभव v बराबर ये है हमारे पास फॉर्मूला माइनस g m बाय r प्लस h, h ऊंचाई पे की बात कर रहे हैं ना, तो क्या जाएगा r प्लस h, क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास ना तो m दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास नहीं दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास क्या दे रखा है g दे रखा है, स्मॉल g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टर्म्स को हमें कन्वर्ट करना होगा किसके फॉर्म में, g के फॉर्म में। देखो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर, देखो स्मॉल जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी एम
बाय आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, लेकिन एच ऊंचाई पर 800 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो 800 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो जाएगा ये, देखो पृथ्वी तल पे ले लेते ना, ये कहां पे आएगा, पृथ्वी तल पर, ठीक ना। तो यहां से अगर जी एम की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, जी एम, क्योंकि यहां पे हमें जी एम चाहिए, जी एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जी आर का स्क्वायर। तो यहां पे जो जी एम है वी के इक्वेशंस में, इसके बराबर क्या रख दो, जी आर का स्क्वायर रख दो, तो यहां जाओ वी बराबर जो माइनस जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच। अब वैल्यू रख दो, जी का वैल्यू दे रखा हमारे पास 10 गुणा आर दे रखा हमारे पास 6400, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएगा, ठीक है, हैं? थ्री नहीं, पॉइंट लगा दिया ना यहाँ पे, 6.4 लगा दिया ना, तो यहां से पॉइंट उठा के यहां पे ले गए ना तीन स्थान, तो 3 × 10³ यहां से आएगा, और मीटर किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6.4 × 10⁶, मतलब याद रखना बस, अगर किलोमीटर में दे रखा है तो 6400 किलोमीटर, अगर मीटर में दे रखा है तो 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। आर का वैल्यू रख दिया यहाँ से, अच्छा आर प्लस एच कितना आया हमारे पास, आर प्लस एच देखो ये आया 7.2 × 10⁶ का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा माइनस का 10 × 6.4 का स्क्वायर, तो 6.4 × 6.4 लिख सकता हूँ, ठीक, × 10³ का स्क्वायर है तो 10³ कितना जाएगा 12 बटे, इसका भी स्क्वायर करो तो 7.2 × 7.2 × 10⁶ 6² 2 है ना, तो 12 आ जाएगा, 10³ 12 से 10³ 12 को क्या करेंगे, कैंसिल, देखो इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हटा दो, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हटा दो, 64/72 कितने से कटेगा, 8 से, 8 × 64 = 8 = 72, 8 × 64 = 8 = 72, 8 × 64 और 10 = 640, 8 × 64 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 और 9 = 81, इससे भाग कर देना, यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है, भाग करके आंसर लिख देना। देखो यहाँ पे R प्लस एच है ना ओनली, ठीक है ना, यहाँ पे घात कितना आएगा, 1 आएगा, बस इसका इतना कैलकुलेशन करा देता हूँ। देखो माइनस का 10 × 6.4 × 6.4 यह जाए 10³ 12 बटे, यह जाए 7.2 × 10⁶ ये जाएगा हमारा 6, क्योंकि घात एक ही है ना, अरे बस समझे, घात एक ही है इसमें, पॉइंट इसके पॉइंट से इसके पॉइंट को क्या करो, कैंसिल करो, तो 8 और ये जाएगा 9, 8 का इसे मल्टीप्लाई कर देना, 64 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 8 = 32 का 2 से लेगा 3 × 48 = 3 = 51, तो 512 की 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 लग जाएगा, बटे 9 × 10⁶ 12 में से 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 माइनस का, हाँ 0, अच्छा ये भी 64 है ना, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इस, हाँ इससे इसमें डिवाइड कर देना, तो क्या जाएगा 9 × 5 = 45 बचा कितना, 6 62 9 7 63 लगभग लगभग ले लो 9 7 63 × 10⁶ 6 ये हो जाएगा हमारा विभव है ना, तो जूल पर किलोमीटर केजी, किलोमीटर नहीं, देखो इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमसे पूछा कि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्या निकालना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की, अरे बात नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आई बराबर जी एम बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर, आर ई को आर से रिप्रेजेंट करो,
आर प्लस एस का स्क्वायर। देखो यहां से फिर से जी एम, जी एम का जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो यहां पे जी एम की जगह रखेंगे जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का स्क्वायर। तो यह 10 गुणा आर 64 मतलब 6.4 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू की पावर 6 स्क्वायर है ना, डबल मल्टीप्लाई कर दिया बटे आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच का वैल्यू कितना है देखो यहां से, ये वाला वैल्यू ठीक 7.2 इंटू 10 टू की पावर 6। तो 7.2 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 7.2 इंटू 10 टू की पावर 6। देखो 10 टू की पावर 6 है, 10 टू की पावर 6 कैंसल, 10 टू की पावर 6 है, 10 टू की पावर 6 कैंसल, इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसल, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसल, तो 8 ये हो जाएगा 9, 8 4 जा 8 9 जा, तो ये जाएगा 8 8 8 64, 64 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 600 40 और 981 ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना, ये लगभग लगभग में आंसर आ जाएगा तुम्हारा 80 आ जाएगा, मतलब 79 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी तल पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 2.5 न्यूटन पर केजी है, उसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 64 6.4 इंटू 10 की पावर 6, मतलब आर ई दे रखा है हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसे, आई से 2.5 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। हमसे पूछा है कि उसी तल पर या उसी बिंदु पर विभव कितना होगा, विभव वी कितना होगा ठीक है। अब तुम्हें विभव वी और तीव्रता आई का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई बाय आर का स्क्वायर ठीक। अच्छा विभव गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या है, वी बराबर जी एम ई बाय आर ई, नहीं वो यूज नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे ठीक है। देखो हैं क्योंकि वर्क डन नहीं दे रखा है ना इसमें, त्रिज्या दे रखा है ना इसलिए यूज कर रहे हैं, नहीं डब्ल्यू होता है। देखो अब दोनों दोनों फॉर्मूले में अगर स्टडी करो, देखो यहाँ पे सेम चीज है, जी एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे जी एम बाय ओनली आर है। अगर हम इस इक्वेशन में आर ई से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें ठीक है, क्या बनेगा जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई ठीक ना। अच्छा जी एम ई बाय आर स्क्वायर, जी एम ई बाय आर स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं, तो वी बराबर क्या जाएगा आई इन टू आर ई। अच्छा आई का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 2.5 और आर ई दे रखा है हमारे पास 6.4 इंटू 10 टू के पावर 6, माइनस में होगा ये, किस में होगा माइनस में ठीक, क्योंकि विभव माइनस में होता है ना फॉर्मूला, मल्टीप्लाई कर देना 25 से, तो 25 फोर जो 100 का जीरो हंसे लगा 10, 25 सिक्स 150 और 10 160 कितने स्थान दशमलव है, दो स्थान बाद तो जाएगा 6 ठीक ना। तो इसको लिखेंगे 1.6 माइनस में इंटू 10 की पावर 7 जूल पर केजी ठीक। तो जब भी 10 के हाथ में लिखते हैं हमेशा एक स्थान पर दशमलव में लिखते हैं, अरे ऊपर नीचे इस वाले इक्वेशन में ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ठीक है, तो आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला आर ऐसे रहेगा ठीक है, इसकी जगह आई हो गया ये आर ई, आई का वैल्यू रख दिया आर कैलकुलेट कर लिया। हाँ ये तो फॉर्मूला होता है ना बी का, बी का सर।